नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं आज की फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें बड़ी सौगात दी है। उन्होंने आज 35 नई फसलों की वैरायटी को देश को समर्पित किया है। पीएम मोदी द्वारा पेश किए गए फसलों की वैरायटी में मुख्य रूप से मुरझाई और बंध्यता, मोजेक प्रतिरोधी अरहर, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म, चावल की रोग प्रतिरोधी किस्में, गेहूं की जैव फोर्टिफाइड किस्में, बाजरा, मक्का और चना, क्विनोवा पंखों वाला बीन और फैबा शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अक्टूबर से अपनी चुनावी यात्रा को शुरू करेंगे। प्रत्येक सप्ताह में 4 से 5 दिन किसी न किसी सरकारी या संगठनात्मक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वह हर दिन 1 से 2 जिलों में जा सकते हैं। वहीं सप्ताह में 2 से 3 दिन जिलों में रात्रि विश्राम कर वहां की चुनावी थाह लेने के साथ प्रशासनिक मशीनरी को दुरुस्त करेंगे और संगठन के जरिए चुनावी बिसात बिछाएंगे। आलमबाग में दिव्यांग महिला को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की संख्या 9 बताई जा रही है। वारदात को आरोपियों ने आलमबाग थाना क्षेत्र के बीजी रेलवे कॉलोनी में अंजाम दिया। विरोध करने पर महिला की जमकर पिटाई की गई। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। उत्तरी कश्मीर में LOC पर उड़ी सेक्टर में सेना ने पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पकड़े गए आतंकी की पहचान बाबर के रूप में हुई है। आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल, 2 ग्रेनेड, एक रेडियो सेट बरामद हुआ है। उसकी उम्र 18 साल है। 26 सितंबर को एक आतंकी मारा भी गया था। घुसपैठ की इन साजिशों ने एक बार फिर LOC पर पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश किया है। ये बातें मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स, GOC 19 डिवीजन ने कही है। यूपी सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुले स्थानों पर वैवाहिक समारोह आयोजित करने की अनुमति दे दी है, पर मेहमानों की संख्या वेन्यू, कार्यक्रम के स्थान के क्षेत्रफल के अनुसार होगी। समारोह के मुख्य द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क का होना जरूरी होगा। वहीं मंगलवार को टीम 9 के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जारी कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन इफ्तिखारुद्दीन का विवादित वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। आरोप है कि वीडियो में वरिष्ठ IAS दूसरे समुदाय के लोगों को कट्टर पंथ का पाठ पढ़ा रहे हैं। वीडियो उनके आवास का बताया जा रहा है। DRDO के आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान पुणे की ओर से डिजाइन व कानपुर के स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में आयुध निर्माणी बोर्ड JVPC सब मशीन गन बनाई जा रही है। पूर्ण रूप से स्वदेशी इस कार्बाइन का नाम मार्क अल्फा JVPC रखा गया है। उत्तर प्रदेश की मऊ में 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। घर के बाहर खेल रही बच्ची को गांव के ही युवक ने सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया। बच्ची के शोर मचाने पर युवक ने हत्या करने की भी कोशिश की। घटना मधुबन थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार दोपहर की है। मासूम संग दुष्कर्म की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है। काफी लंबे समय से आपात मंजूरी की मांग करने वाली स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को विश्व स्वास्थ्य संगठन से एक बार फिर झटका लगा है। दरअसल WHO ने भारत बायोटेक से उसकी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को आपात मंजूरी देने के लिए और भी डाटा उपलब्ध कराने को कहा है। WHO ने कहा है कि फिलहाल आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण में कुछ और दिनों की देरी होगी। LPG सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर बड़ी खबर आई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय उस सीमा का मूल्यांकन कर रहा है जिस पर तरलीकृत पेट्रोलियम गैस पर सब्सिडी बहाल की जाएगी। एक सर्वे किया जा रहा है कि किस कीमत पर ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता गैस सिलेंडर खरीदेंगे। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।